सेकेंड वी आर डिस्कसिंग इफ जेड बिलोंग्स टू सेकेंड क्वार्टर, दैट मीन्स एल्फा इज लेस देन जीरो एंड बीटा इज ग्रेटर देन जीरो, देन जेड विल लाई इन सेकेंड क्वार्टर. ओके, सो सेम वी विल डू. दिस वन इज ओरिजिन, दिस वॉट पॉजिटिव रियल एक्सिस, दिस वन इज इमेजिनरी एक्सिस एंड दिस वन इज वॉट पॉइंट जेड. सो दिस वॉट एल्फा कॉमा बीटा. ओके, सो सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे ओरिजिन एंड दिस पॉइंट एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स जेड. दिस पॉइंट वी आर टेकिंग पॉइंट पी. नाउ दिस वॉट पॉजिटिव रियल एक्सिस. सो फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस देर आर टू एंगल विल बी पॉसिबल, दिस वन एंड वन इज दिस वन. ओके, एंड दिस एंगल वी आर टेकिंग वॉट थीटा, एंड थीटा वी कैन फाइंड आउट ईजिली. ओके, फ्रॉम पॉइंट पी यू आर ड्रॉइंग परपेंडिकुलर ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस, दिस इज 90 degree. सो दिस वन इज वॉट मॉडुलस बीटा एंड दिस वॉट मॉडुलस ऑफ एल्फा. देन हियर थीटा इक्वल टू व्हाट विल कम, टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ बीटा डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ एल्फा, दिस विल कम. ओके, सो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इज देयर, थीटा वी कैन फाइंड आउट बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट दिस एंगल इज वॉट पाई माइनस थीटा. ओके, एंड दिस एंगल वी कैन सी दैट पाई प्लस थीटा. ओके, नाउ हियर इफ यू टेक रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड इफ यू काउंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वी कैन सी दैट पाई माइनस थीटा. ओके, वेट थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ बीटा डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ एल्फा, दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2. ओके, सो व्हाट यू विल डू, वी विल फाइंड आउट पाई माइनस थीटा इज लाइज बिटवीन -π/2 π/0. ओके, सो व्हाट यू विल डू विथ थीटा, वी विल मल्टीप्लाई व्हाट माइनस. ओके, बिकॉज वी वांट माइनस थीटा. सो सबसे पहले मल्टीप्लाई करें माइनस, तो क्या आ जाएगा, -π/2 इज लेस देन -θ इज लेस देन 0. अब हम क्या करें, इसमें हम ऐड करेंगे पाई. सो व्हाट विल कम, पाई माइनस पाई बाई टू इज लेस देन पाई माइनस थीटा इज लेस देन पाई. ओके, सो पाई माइनस थीटा इज व्हाट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड. ओके, सो दिस वन इज व्हाट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज लेस देन पाई एंड पाई माइनस पाई बाई टू इज व्हाट, पाई बाई टू. ओके, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लाई बिटवीन व्हाट, -π/2 π. ओके, दैट मीन्स पाई माइनस थीटा लाई बिटवीन इन दिस इंटरव्यू. ओके, दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज योर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, बिकॉज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लाइज इन दिस इंटरव्यू. ओके, सो दिस एंगल पाई माइनस थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. ओके, ऑफ जेड, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, पाई माइनस थीटा. थीटा इज व्हाट, टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ बीटा डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ एल्फा, टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ बीटा डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ एल्फा इन ब्रैकेट, दिस इज योर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. ओके, इफ यू टेक दिस वन, ओके, इफ यू टेक दिस वन, सो दिस डायरेक्शन इज व्हाट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड विल कम व्हाट, माइनस ऑफ पाई प्लस थीटा. ओके, एंड थीटा इज व्हाट, 0 to π/2. ओके, सो इफ यू टेक पाई प्लस थीटा, सो पाई प्लस थीटा व्हाट विल कम. ओके, हियर वी हैव टू ऐड व्हाट, पाई. सो व्हाट विल कम, पाई एंड दिस व्हाट, पाई प्लस पाई बाय टू, पाई प्लस पाई बाय टू. आफ्टर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई विद माइनस, सो व्हाट विल कम, -π/π/2 इज लेस देन माइनस ऑफ पाई प्लस थीटा इज लेस देन -π. सो यू कैन सी माइनस ऑफ पाई प्लस थीटा विल नॉट कम इन दिस इंटरवल, सो दैट मीन्स दिस इज नॉट योर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. ओके, सो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इफ जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट इज व्हाट, पाई माइनस टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ बीटा डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ एल्फा. सो बीटा इज व्हाट, बीटा इज व्हाट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स इन ब्रैकेट मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड. ओके, दैट इज योर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इफ जेड लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग थर्ड पॉइंट. इन दिस वन इफ जेड बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, हियर एल्फा इज लेस देन जीरो एंड बीटा इज ऑल्सो लेस देन जीरो, सो जेड विल कम इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो सबसे पहले क्या करें, हम कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ करेंगे. दिस वन इज व्हाट, पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड दिस वन इज व्हाट, इमेजिनरी एक्सिस. दिस वन इज ओरिजिन
एंड जेड विल कम इन थर्ड क्वार्टर, दैट इज एल्फा कॉमा बीटा। तो सबसे पहले क्या करें, हम ओरिजिन को जेड से ज्वाइन करेंगे। डायरेक्शन इज व्हाट, टुवर्ड्स जेड। दिस पॉइंट इज व्हाट, पॉइंट पी। सो फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस देर आर टू एंगल, वन इज दिस वन, अदर इज दिस वन। ओके, दिस वन इज व्हाट, इन एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस वन इज व्हाट, क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये एंगल फाइंड करेंगे थीटा। ओके, सो फ्रॉम हियर वी आर ड्रॉइंग परपेंडिकुलर ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस। सो दिस डिस्टेंस इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ बीटा, एंड दिस वन इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ अल्फा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट थीटा इक्वल टू व्हाट, टेन इनवर्स इन ब्रैकेट मॉडुलस ऑफ बीटा डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ अल्फा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट थीटा लाइज इन द इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। This will come. Okay, now first we are finding this angle. Okay, so till here is what, pi. After pi we are adding theta. So this angle is what, pi plus theta. Next we are finding this angle. Okay, so we can say total is what, 2 pi. So from 2 pi, if you subtract pi plus theta, we'll get this angle. So from 2 pi, we have to subtract minus pi plus theta. So from here what will come, pi minus theta. This will come. Okay. So if you count in anticlockwise direction, the argument of z is what, pi plus theta. Okay, argument of z is pi plus theta, or argument of z if you count in clockwise direction, in this direction. Okay, so this is what, pi minus theta. So from here we have to multiply with minus 1. So what will come, minus of pi minus theta, minus of pi minus theta. This will come. So this will come out minus pi plus theta. Now we have to check which angle is lying in the interval minus pi to pi. That is your principal argument. So first we have to find a pi plus theta. Okay. So theta is what, this one. So in this one we have to add pi. So pi plus theta. Okay. We are adding here pi. So what will come here? Pi is less than, this one is what, pi plus theta is less than, here what will come, pi plus pi by 2. So this will come out 3 pi by 2. Okay. So you can see here, pi plus theta lies in the interval pi to 3 pi by 2. That means it will not come in this interval. It will not come in the interval minus pi to pi. That means this is not your principal argument. Now we have to check this one. Okay. So this one is what, theta. In this one, what you have to do? Minus pi we have to add. So what will come here? Minus pi. Okay. Is less than minus pi plus theta is less than minus pi plus pi by 2, minus pi plus pi by 2. So this will come what, minus pi is less than minus pi plus theta is less than minus pi plus pi by 2 is what, minus pi by 2. Okay, you can see here minus pi plus theta lies in this interval. That means your principal argument is what, this one. So this is your principal argument. Okay, so principal argument of z. So what will come here, minus pi plus theta. Theta is what, tan inverse modulus of beta divided by modulus of alpha, where beta is what, beta is imaginary part of z and alpha is what, real part of z. So we can write what, minus pi plus tan inverse in bracket modulus of beta, instead of beta what you can write, imaginary part of z divided by modulus of real part of z. That we can write. So this is your principal argument. If z lies in third quadrant, then principal argument is what, minus pi plus tan inverse modulus of imaginary part of z divided by real part of z. That is your principal argument. Okay, or if you want to find out argument, then in principal argument we will add 2n pi. That is your argument.